हिंद बच्चों कैसे हैं आप लोग बच्चों रात के दो बजे और हम लोग शुरू कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन बाय एबीसीडी मेथड बच्चों बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का ये सेकेंड पार्ट है पहले पार्ट में हमने बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन देखा था बाय टेबल मेथड एंड बाय हिट एंड ट्रायल मेथड वहां पे हमने दो मेथड यूज किए थे आज हम लोग तीसरा मेथड यूज करेंगे ए बी सी डी मेथड और बच्चों यकीन जानिए अगर ये मेथड आप समझ लेते हैं तो कोई भी केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन आपके लिए बैलेंस करना मुश्किल नहीं रहेगा किसी भी रिएक्शन को आप चुटकियों में बैलेंस कर सकते हैं बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और आज का वीडियो ध्यान से देखना है तो आइए शुरू करते हैं अपनी बात हम लोग स्टार्ट करेंगे रूल से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे और कहां पे क्या रूल यूज करना है फर्स्ट यूज कॉफिशियंट ए बी सी डी एंड सो ऑन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन फ्रंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन द गिवन इक्वेशन बच्चों जो इक्वेशन आप बनाएंगे या आपको दी जाएगी उस इक्वेशन में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने ए बी सी डी लिखना है अगर वहां पर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नंबर ज्यादा हो जाता है चार से ज्यादा है तो फिर आप ई एफ जी भी लिख सकते हैं क्या ये क्लियर है आपको पहला स्टेप चेक द नंबर और फ्रीक्वेंसी ऑफ द कॉफिशियंट वहां पर जो ए बी सी डी का नंबर लगाएंगे आप आपको वहां पे देखना है कि वो ए बी सी डी कॉफिशियंट कितनी बार उस रिएक्शन के अंदर यूज हो रहा है आइडेंटिफाई द कॉफिशियंट विच हैज मैक्सिमम नंबर एंड कंसिडर इट्स वैल्यू एज वन आपको वहां पे ए बी सी डी जो आपने कोफिशियंट यूज़ किए हैं उन कोफिशियंट में से जो सबसे ज्यादा बार आता है जिस जो बार बार आ रहा है या जिसका नंबर ज्यादा है उसको आप एक नंबर देंगे इट मीन्स कि वो कॉफिशेंट का वैल्यू एक होगा द कॉफिसियंट बाय मेकिंग रिलेशन और बच्चों जब आपके पास ए बी सी डी ई एफ ऐसे कॉफिशियंट आ जाएंगे फिर आप उनमें रिलेशन बनाएंगे ये मैं आपको क्लियर करूंगा एग्जाम्पल के साथ मल्टीप्लाई विद सुटेबल स्मॉल नंबर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शनल वैल्यू इन टू होल नंबर इफ नीडेड जब आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे इन कोफिसियट की हेल्प से तो कई बार हो सकता है कि वहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने आपको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू मिले तो वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू को होल नंबर में कन्वर्ट करना जरूरी होता है किसी भी स्मॉल नंबर की मल्टीप्लाई करने से आप ऐसा कर पाएंगे So, अभी टाइम आ गया है बच्चों जितने पॉइंट जितने रूल्स हमने डिस्कस किए हैं उनको वन बाय वन यूज करने का ये वीडियो ध्यान से देखिएगा लास्ट तक तो आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा चुटकियों में यहां पे एक इक्वेशन दी है अमोनिया गैस ओ टू गैस के साथ रिएक्ट कर रही है जिससे एनओ गैस और वाटर गैस बन रही है बात समझ में आती है आपको और ये रिएक्शन आपको बैलेंस करनी है बाय ए बी सी डी मेथड तो आपको बताया था कि यहां पर आप लोग क्या करेंगे कि रिएक्टेंट यहां पे आप देख पा रहे हैं दो रिएक्टेंट हैं, दो प्रोडक्ट हैं, इन सब के सामने कोई भी नंबर नहीं है जो आपको यहां पे लगाना है बैलेंस करने के लिए वो अननोन है तो क्यों ना हम लोग यहां पे अपनी तरफ से कोई कॉफिशियट यूज करें तो आइए यूज करते हैं ए क्लियर हुआ ओटू के लिए यूज करते हैं बी ओके अब बात करते हैं एनओ के लिए और एस टू ओ के लिए तो मैंने यहाँ पे सी किया बच्चों और मैंने यहाँ पे डी लगाया क्या क्लियर है सर यहां पर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नंबर चार है अगर ये पांच या छ होते तो फिर हम डी ई एफ जी से आगे बढ़ जाते पर चूंकि पे चार है तो ए बी सी डी से हमारा काम बन जाएगा अब आपको यहां पे रिलेशन देखना है तो लो, हम लोग क्या करेंगे यहां पे मैं यहां पे मेंशन करता हूं एक टेबल बना लेता हूं छोटी सी मैं यहां पे लिखूंगा एलिमेंट्स और बच्चों उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पे लेफ्ट यहां पे लिखूंगा राइट right. कुछ आपको याद आया ऐसी प्रैक्टिस हम लोग टेबल मेथड में पहली वीडियो में कर चुके हैं अब एलिमेंट कौन कौन से हैं ये आपको पता है एलिमेंट आपके पास देखिए नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है अब आप चेक कीजिए कि कहीं इक्वेशन में इन तीन से ज्यादा एलिमेंट तो नहीं है मेरे हिसाब से तो मुझे तीन दिखाई दे रहे हैं आप चेक कर लीजिए कहीं चौथा रह तो नहीं गया है है बच्चों तो शायद मैं ठीक हूं इस रिएक्शन के अंदर तीन ही एलिमेंट यूज हो रहे हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अब आपको देखना है कि इनके एलिमेंट्स के, एलिमेंट के कोफिसियंट नंबर क्या है तो आइए बात करते हैं नाइट्रोजन की ध्यान से देखिए नाइट्रोजन में यहां पर ए लगाया है और जब आप ए का मल्टीप्लाई एन में करेंगे तो यहां पे एन का वैल्यू वन है जब कुछ नहीं लिखा होता है इट मींस वन होता है यहां पे वन है बच्चों और जब यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं यहां पे लिखता हूं ए क्या क्लियर हुआ आपको एन एलिमेंट का या एन एटम का नंबर लेफ्ट साइड में ए है इज इट क्लियर अब आप यह देखिए कि राइट साइड में नाइट्रोजन का नंबर कितना है तो आप पाएंगे कि यहां पे राइट साइड में एलिमेंट नाइट्रोजन का नंबर सी है क्लियर है बच्चों वहां पे सी वन जो है वो सी होगा क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करते हैं तो सी ही रहेगा ये आपको क्लियर है ठीक है अब बात करते हैं हाइड्रोजन की अब थोड़ा सोचिए और बताइए मुझे कि यहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या होगा बच्चों ऑलरेडी अमोनिया में तीन हाइड्रोजन है ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद हाइड्रोजन का नंबर थ्री ए आएगा क्या यह आपको क्लियर है अब बात कर लीजिए O2 की तो O2 का नंबर यहाँ पे दो दिखाई दे रहा है बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए बताइए क्या बनेगा टू क्लियर हुआ तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में एन एच ओ का इन एटम का इन एलिमेंट का हमने यहां पे कॉफिशियंट की हेल्प से नंबर निकाल लिया है अब बचा है हमारा राइट right साइड में राइट right साइड में सोचिए कि सर यहां पर यहां पर ऑक्सीजन का नंबर क्या होगा अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पे ऑक्सीजन का नंबर एक है तो सी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन यहां पे सी होगा क्या ये क्लियर है आपको ठीक है सर लेकिन सर यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑक्सीजन एनओ में भी आ रहा है और ऑक्सीजन वाटर के अंदर भी आ रहा है तो आपको ये दोनों मानने पड़ेंगे दोनों कंसिडर करने पड़ेंगे तो जब आप डी का मल्टीप्लाई इस वाली ओ में करेंगे तो यहां पे राइट साइड में ओ की जो नंबर होगी वो सी और डी क्लियर हुआ सी और डी होगी डी हमारा एस टू ओ से आएगा और सी हमारा एनओ NO की ऑक्सीजन के लिए आएगा अब यहां पर सवाल है कि सर एच का नंबर क्या होगा बच्चों एस टू में दो हाइड्रोजन पहले से है डी का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा टू डी लीजिए सर हमारे इस गिवन इक्वेशन में कोफिसियंट ए बी सी डी तैयार हो गए हैं अब आपको इनका रिलेशन बनाना है तो आइए रिलेशन बनाते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो बच्चों अब पहले लेंगे नाइट्रोजन के लिए अब आप ध्यान से यहां पर देखिए कि किस कॉफिशियंट यानी कि ए बी सी डी में से कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है इट मीन्स किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो आप देखेंगे ए बी सी डी में से ध्यान से देखो बंधु ए का नंबर सबसे ज्यादा है देखिए ए यहां पर और पे सम करेंगे तो टाइम्स ए का रिपीटेशन हो रहा है चार बार ए आ रहा है तो ए कॉफिशियंट सबसे ज्यादा चार बार आ रहा है इसलिए हम लोग पहले इसी को प्रियोरिटी देंगे और प्रियोरिटी देने के लिए यहां पर इस कॉफिशियंट की वैल्यू एक कंसिडर करेंगे क्या है, क्लियर है आपको इस कोफिसियंट ए की वैल्यू जो ज्यादा बार आ रहा है बार बार आ रहा है इसको वन नंबर देंगे इसकी वैल्यू वन होगी चलिए ये तो आपको समझ में आया अब यहां पर देखिए कि लेफ्ट और राइट right में नाइट्रोजन की वैल्यू कितनी है तो आप देखेंगे कि राइट में और लेफ्ट में ए और सी इक्वल है यानी नाइट्रोजन का नंबर जो है वो ए और सी होगा और ए और सी जो है बच्चों इक्वल है और इसका जो वैल्यू आ रहा है वो वन आ रहा है क्योंकि आप जानते हैं ए इज इक्वल टू वन होगा क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है ये ज्यादा बार आया है और रूल्स में बताया था जो कोफिसियंट ज्यादा बार आता है उसको हम लोग वन कंसिडर करते हैं तो क्लियर हुआ यहां पे a इक्वल था c के और a की वैल्यू वन है तो बताइए a और c का वैल्यू क्या होगा वन क्लियर बात करेंगे दूसरे एलिमेंट फॉर हाइड्रोजन अब हाइड्रोजन एटम के लिए जाते हैं आप मुझे ये बताओ कि आपकी इक्वेशन में कहा हाइड्रोजन है लेफ्ट और राइट में तो आंसर मिलेगा सर मेरा हाइड्रोजन जो है वो दो जगह यूज हो रहा है देखिए यहाँ पे थ्री ए है और यहाँ पे टू डी है क्लियर है अब आपको ये कॉफिशियंट पे रिलेशन बनाना है तो ये इक्वल करने पड़ते हैं बच्चों तो हाइड्रोजन के लिए लेफ्ट साइड में वैल्यू थ्री है और राइट right साइड में टू डी है क्या ये क्लियर है आपको वेरी गुड अब एक बात बताइए कि आपके पास तो ए की वैल्यू आ गई है ए की वैल्यू कितनी आई थी वन आई थी तो सर क्या मैं इसको यहां पर ऐसे सोल्व कर सकता हूं कि मैं एक की वैल्यू यहां पे वन रखूं तो बताइए क्या इससे हम डी का वैल्यू निकाल सकते हैं तो बता दो ना बच्चों d का वैल्यू क्या आएगा सो so, d इज इक्वल टू होगा जी जी बोलिए थ्री बाय टू तो बच्चों हमने देखो a का वैल्यू भी निकाल लिया c का वैल्यू भी निकाल लिया और d कॉफिशियंट का वैल्यू भी हमारे हाथ में आ गया कुछ लोग समझ गए होंगे कि हम अपने क्वेश्चन को कहां पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं अब हम लोग बात करेंगे तीसरे एलिमेंट की और आखिरी एलिमेंट की बच्चों वो है हमारा ओ तो ओ एलिमेंट के एटम हमको चेक करने हैं तो आप ही बता दो ना लेफ्ट और तो राइट में कितना रिलेशन है तो तो आप देखिए राइट में सर ओ के टू बी एटम है ये लीजिए सर और राइट में जो सर वैल्यू है ऑक्सीजन की वो है सी प्लस डी क्या आपको क्लियर है वेरी गुड अब आप देखिए कि आपके यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर इस रिलेशन के अंदर किस किस की वैल्यू पता है तो आप कह पाएंगे सर मुझे काफी कुछ पता है क्या पता है देखिए बच्चों आपको पता है कि बी की वैल्यू आप नहीं जानते लेकिन सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं ए और सी की वैल्यू वन होती है डी की वैल्यू थ्री बाई टू होती है अगर आप इसको सोल्व करेंगे फाइनली बी इज इक्वल टू फाइव टू आपको मिल जाएगा तो अब आप देखिए ए की वैल्यू आ गई आपके पास सी की वैल्यू वन आ गई डी की वैल्यू थ्री बाई टू आ गई बी की वैल्यू फाइव बाई टू आ गई इस इक्वेशन में आपने में वैल्यू अब आपको कुछ नहीं करना है सो so सिंपल आपने टास्क पूरा कर लिया है अब ये वैल्यू ऊपर इक्वेशन में रख देनी है पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए डी बच्चों हमारी इक्वेशन थी जिसमें एबीसीडी को माना था रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए अब समय आ गया है कि जो आपने एबीसीडी की वैल्यूज फाइंड आउट करी है वो वैल्यू यहां पे कर दीजिए ए की वैल्यू वन है आप जानते हैं बी की वैल्यू फाइव बाई टू है तो यहां पे फाइव बाई टू कर दीजिएगा आपको पता है कि सी का वैल्यू वन है तो वन कर दिया बच्चों और यहाँ पे डी का वैल्यू थ्री बायू है तो मैंने थ्री बाई टू कर दिया कोई रॉकेट केमिस्ट्री नहीं है बिल्कुल सिंपल सिस्टमेटिक है हो सकता है कि आपने ये पहली बार देखा हो सुना हो जाना हो तो चिंता मत करना नो टेंशन केमिस्ट्री जंक्शन एक बार प्रैक्टिस तो कीजिए इस क्वेश्चन को करने के बाद आप किसी दूसरे इनामीना डी का किसी क्वेश्चन को भी उठा लीजिए और ठोक दीजिए बिल्कुल सही होगा गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है जो इक्वेशन आज से पहले आपसे बैलेंस नहीं हो पाती थी ले आइए खींच के उनको मैदान में और कहिए कि हम में है दम है ना हम है सिंह तो आप बैलेंस कर पाएंगे अब बच्चों यहां पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम फंस गई है कि रिएक्शन के अंदर ये आपके फ्रैक्शनल वैल्यू है ये फ्रैक्शनल वैल्यू गलत नहीं है सही है लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि रिएक्शन बैलेंसिंग में होल नंबर दिया जाए फ्रैक्शनल की जगह तो आप यहाँ पे किसी भी सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये फ्रैक्शनल होल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा आप ही बताइए कि मैं किसका नंबर का मल्टीप्लाई करूं तो चलिए मैं टू का मल्टीप्लाई करता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप बताइएगा कि क्या मैंने सही किया या गलत किया है ना जी अब तो आप मास्टर हो गए हो बता सकते हो सर कहा जा रहे हो गलत है या सही है तो लो बच्चो ये देखिए मैंने यहां पर कुछ ऐसा किया अब आप देखिए यहां पर इस टू से ये टू चला जाएगा इस टू से ये टू चला जाएगा और पूरी रिएक्शन को अगर हम लोग यहां पे दिखाते हैं तो क्या दिखाई पड़ेगा बच्चों यहां पे टू मोल ऑफ अमोनिया यहां पर फाइव मोल ऑफ अमोनिया यहां पे टू मोल ऑफ अमोनिया और यहां पे थ्री मोल ऑफ अमोनिया लीजिए सर डेट्स इट तो सर आपने देखा कि हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया आप चेक कर लीजिए गलत है या सही है और ऐसी कोई भी रिएक्शन जो आज से पहले आपको डरा रही थी वो आप ले आइए करके देखिए बस कुछ भी नहीं टिकेगा आपके सामने क्योंकि आप में है दम आप है सिंघम डरिए मत चीजों को समझिए आगे बढ़िए केमेस्ट्री बहुत इजी है ट्रस्ट मी आप में कर सकते हैं आप में पोटेंशियल है बस थोड़ी सी लैक ऑफ नॉलेज है जहां आपको नहीं आता है आप सीखते रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते रहिए